हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द ऑप्शन स्ट्रेटजिस्ट। एंड गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है ये है एक नया टूल जो हमने लॉन्च किया है ओआई ट्रैकर में। एंड गाइस, ओआई ट्रैकर को आप सबसे बहुत प्यार मिला, इसे एक साल कंप्लीट हो गया है। लास्ट ईयर मई में हमने लॉन्च किया था एंड इसे एक साल कंप्लीट हो गया है और इसमें हमने काफ़ी सारे न्यू एडिशंस भी करे हैं इस एक साल में, और आप लोग से काफ़ी सजेशंस भी मिले हैं जो हम रेगुलरली इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसे ही हमें एक सजेशन मिला था कि हम क्या कर सकते हैं इसको और इम्प्रूव करने के लिए, जो सिचुएशंस हैं, मार्केट कंडीशंस हैं, कि आपको अगर मैं कुछ आपको अगर ये टूल कुछ इंडिकेशंस दे दे कि किस स्ट्राइक में आपको एग्जैक्टली क्या काम करना है, राइट? सो उसके लिए हमने एक नया टूल लॉन्च करा है, विच इज़ दिस। ये देखिए, ये पावर टूल है। ये हमने इस पावर टूल को लॉन्च किया और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पावर टूल आप कैसे यूज़ करके बहुत ईजिली, अगर आप बायर हो या सेलर हो, आप बाइंग सेलिंग दोनों कर सकते हो इस टूल के थ्रू, और ये आपको एग्जैक्टली बताएगा कि किस स्ट्राइक में आपको काम करना है, करेक्ट? सो चलिए जल्दी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको पहले बताता हूँ कि ये टूल कैसे काम करता है और कब इसको यूज़ करना है, ओके? और उससे पहले गाइस, ये हमारा चैनल है द ऑप्शन स्ट्रेटजिस्ट, ओके? ये टेलीग्राम पे, एंड आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। देखिए, मैं इस पे डेली अपने ये मॉर्निंग में अपडेट्स डालता हूँ कि आज का डायरेक्शन क्या रहने वाला है, और आप देखेंगे क्लियरली मैंने 9:20 9:30 पे डाला है कि ओपनिंग डेटा बोथ इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज़ नेगेटिव, ओके? एंड अगर बैंक निफ्टी 34,000 ब्रेक करता है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, देन इट कैन सी फर्दर डाउन मूवमेंट, ओके? ये 9:30 पे मैंने बता दिया था कि आज अगर 34,000 ब्रेक हुआ तो ये और बहुत नीचे जा सकता है, करेक्ट? और उसके बाद देखिए 10:20 पे मैंने ये एक आज बैंक निफ्टी का जो OI चेंज था डे का, वो भी दिया था कि इसको बस सिंपली देख के ही पता लग रहा है कि कितना ज़्यादा कॉल साइड बिल्टअप हुआ है फर्स्ट वन आवर में। इसका मतलब कि आज मार्केट बहुत नीचे जा सकता है, बिकॉज देखिए कॉल में इतनी ज़्यादा राइटिंग हो रही है, करेक्ट? सो अगर ये लोगों ने फॉलो किया, और मुझे काफ़ी मैसेज भी आए, थैंक यू, कि उन्होंने आज बच गए एक लॉस से और पुट में उन्होंने बाइंग करी और कॉल में सेलिंग करी, करेक्ट? तो आप ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मैं अपनी स्ट्रैटेजीज भी शेयर करता हूँ और उसमें आपको लाइव अपडेट्स भी देता हूँ, और ये मैंने आज नई स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करी है बैंक निफ्टी में, ओके? सो आप इस चैनल को ज्वाइन करें एंड बेनिफिट उठाएं, आपको डायरेक्शन बहुत ईजिली मॉर्निंग में पता चल जाएगा कि आज आपको किस डायरेक्शन में काम करना है, कॉल साइड सेल करना है या बाय करना है, ओके? सो चलिए, आज का जो टॉपिक है, विच इज़ हमारा जो टूल है, नया पावर टूल, उसको कैसे यूज़ करना है। सो देखिए, पावर टूल क्या करता है, ये जो मार्केट की जो कंडीशंस हैं, विच इज़ कि इस समय अगर आपको ट्रेड लेनी है, ओके, तो आप किस साइड ट्रेड ले सकते हो, कॉल साइड या पुट साइड, वो तो आपको कॉल वर्सेस ओआई, ये जो पुट ओआई है ये भी बता देता है बहुत एग्जैक्टली। ये देखिए, ये आज का कॉल वर्सेस पुट ओआई का ये है बैंक निफ्टी का, ओके? और इसने क्या किया है, देखिए मॉर्निंग में ही ये जो ब्लू लाइन है, ये डेटा का डिफरेंस है कि कितनी ज़्यादा कॉल में देखिए राइटिंग हो रही है, ये कॉल में देखिए कितनी ज़्यादा सेलिंग हो रही है, और पुट से आज ये रिड्यूस कर रहे हैं ओआई, जो पुट में सेलर्स थे, जो राइटर्स थे, उन्होंने इतनी ज़्यादा रिड्यूस करी है अपनी ओआई, और ये जो डेटा का मूवमेंट है वो देखिए मॉर्निंग से ही जो ब्लू लाइन है, ओके, आप देख सकते हैं वो कितना ज़्यादा गैप था। सो एक बार भी हमें इंडिकेशन नहीं मिला कि हमें इस ग्राफ को देखने के बाद कि हमें कॉल साइड में बाइंग करनी चाहिए, हम कॉल साइड में सेलिंग ही कर रहे थे। एंड ये देखिए फिर डेटा जो है ये नेगेटिव होता ही गया है दिन भर, और इतना ज़्यादा डिफरेंस होने का मतलब क्या है कि दिस इज़ अ ट्रैप। ये देखिए क्लियरली ये ट्रैप करा गया है कि डेटा इतना गैप है डेटा में, और ये मार्केट स्पॉट जो है वो ऊपर जा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ से 121 से ये कितना नीचे आया है और आके ये डेटा से जाके यहाँ मीट हुआ है अराउंड, और उसके बाद ये देखिए यहाँ से एक रिवर्सल आया है डेटा में, ओके, एंड स्पॉट में भी रिवर्सल आया है। अगर आपको रिवर्सल देखना था चार्ट से, तो ये देखिए जो हमने अभी दिखाया कि ये देखिए 245 पे अराउंड इस टाइम पे जो रिवर्सल आया है, ये ग्रीन डेटा एरोज़ हैं, ये दिखा रहा है कि देखिए जो डेटा का डिफरेंस है वो तो नेगेटिव है, सेंटीमेंट भी बेयरिश है, लेकिन ये डेटा मूवमेंट एरोज़ दिखा रहे हैं कि अब ये
चेंज हो रहा है, पुट साइड में राइटिंग ज़्यादा हो रही है कॉल साइड से एंड मार्केट रिवर्सल दे रहा है। ओके सो 245 से देखिए डेटा मूवमेंट एरोज़ ने क्लियरली बता दिया कि मार्केट इज़ टेकिंग अ रिवर्सल। जब आप ये दो एरोज़ या तीन एरोज़ कंबाइंड देखें तो आप अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से देखें अराउंड जो स्पॉट है वो 33,460 था और वो एक हाई बनाया उसने 33,585 का, करेक्ट, और 559 पे क्लोज हुआ है। सो वेरी इजली दिस कैन शो यू कि किस साइड आपको काम करना है। ओके बट इससे तो हमें ओवरऑल डायरेक्शन पता लग गया, बट किस स्ट्राइक में हमें काम करना है, ओके किस स्ट्राइक में हमें काम करना है, किस स्ट्राइक में हमें बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, ये कैसे पता करें। सो ये आपको पावर टूल हेल्प करेगा। तो देखिए पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हमने इसका नाम पावर टूल क्यों रखा है, क्योंकि ये देखिए टूल बहुत पावरफुल टूल है और आपको क्लियर इंडिकेशन देता है कि किस स्ट्राइक में आपको बाइंग या सेलिंग करनी है। और ये आपको बताता है जो चार मार्केट कंडीशंस होती हैं, ओके वो चार कंडीशंस क्या होती हैं, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। ओके तो मैं आपको सबसे जो पावरफुल कंडीशन होती है वो होती है शॉर्ट कवरिंग। अगर आपको शॉर्ट कवरिंग मिल जाए तो आप उसमें ईजिली बाय करके आप बहुत अच्छा एक रिटर्न बना सकते हो, करेक्ट। तो वो हमारा एक टूल है OI इंटरप्रिटेशन, वो भी आपको दिखाता है, बट उसमें आपको खुद चेक करना पड़ता है कि किस स्ट्राइक में आप वो शॉर्ट कवरिंग है, कहाँ काम करा जाए। ये पावर टूल एग्जैक्टली आपको पूरा स्कैन करके मार्केट ये बताता है कि किस स्ट्राइक में उस समय ये शॉर्ट कवरिंग पोजीशन चल रही है। ओके सो पहले समझते हैं शॉर्ट कवरिंग पोजीशन है क्या और इसमें क्या बेनिफिट होता है। तो देखिए जैसे आप ये देख रहे हैं मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ओके पहले ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट्स का। सो बैंक निफ्टी 34 अराउंड 750 पे कल क्लोज हुआ था, ऑलरेडी आज 300 पॉइंट्स गैप डाउन खोला, तो पहले ही यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर आ गया था। और उसके बाद फर्स्ट देखिए जो फर्स्ट हाफ एन आवर है, ओके उसमें ही ये इतना ज़्यादा नीचे आ गया था। तो ये जब ऐसी सिचुएशन आती है या फिर ये सिचुएशन देखिए 10:35 से ये जो आपको सिचुएशन 11:20 तक, ओके सो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो पुट सेलर्स थे, ओके ये ध्यान से सुनिएगा, अगर ये शॉर्ट कवरिंग का आपको समझ में आ गया कि ये शॉर्ट कवरिंग पोजीशन इतनी पावरफुल क्यों है, तो आप बहुत ईजली इसे ट्रेड कर सकते हैं, अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। सो देखिए शॉर्ट कवरिंग में क्या होता है कि जो जब मार्केट है ये नीचे गिरना स्टार्ट होता है, ओके तो इसमें पुट जो सेलर्स बैठे थे उनको लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। जो पुट सेलिंग करके यहाँ पे बैठे थे इस लेवल पे अराउंड 34,000 या 33,900-800 इन लेवल्स पे जो पुट सेलर्स थे अब उन्हें लॉस होना स्टार्ट हो जाता है बिकॉज मार्केट अब उस लेवल पे आ गया है, करेक्ट। तो वो जो सेलर्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करते हैं, और वो स्क्वायर ऑफ कैसे करते हैं, वो अपनी पोजीशंस को बाय करके स्क्वायर ऑफ करते हैं, ओके तो वो जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो ऑप्शन बायर बन जाते हैं बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर स्क्वायर ऑफ नाउ। एंड जब मार्केट नीचे जा रहा है तो ऑलरेडी यहाँ पे पुट बायर्स आ गए होंगे, ओके जो पुट में नई बाइंग अपनी बना रहे होंगे, तो एक तो ऑलरेडी जो सेलर्स हैं वो बायर बन गए हैं, नए बायर्स भी आ गए हैं अब, लेकिन जो न्यू सेलिंग है वो इस समय नहीं हो रही है क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है, कोई भी और लॉस नहीं करना चाहता इसलिए वो सेलिंग यहाँ नहीं करेगा। तो अब ये डिमांड सप्लाई का देखिए जो ये सिचुएशन है उसमें क्या हो रहा है, आपके पास इतनी ज़्यादा डिमांड आ गई है, ओके बाय पुट बाय की, लेकिन पुट के सेलर्स ही नहीं है। तो उससे क्या होगा, उस समय पे जो भी सेलर कोट करेगा वो ये बायर्स ग्रैब करेंगे और प्राइस बहुत तेज़ ऊपर शूट करेगा, ओके इसको सिंपली डिमांड एंड सप्लाई का जो डिफरेंस है उस वजह से ये पोजीशन आ रही है। यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा डिमांड है पुट में और सप्लाई बहुत कम है, इस पोजीशन को हम शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। और इस पोजीशन को हम कैसे पता लगाते हैं, जब आपका जो ओपन इंटरेस्ट है वो ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हो रहा है और आपका जो प्रीमियम है वो प्रीमियम ऊपर जा रहा है, यानी पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है वो कम होगा
और उसका प्रीमियम ऊपर जाएगा, सो उस पोजीशन को हम शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। ओके, और सिंपली मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके समझा दूँ अगर आपको ये समझ में नहीं आया, कि जैसे हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि अनियन के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गए थे। ओके, तो सिंपली क्या था, देखिए अनियन एक ऐसी वेजिटेबल है जो ज़्यादातर हर किसी के घर में यूज़ होती है। ओके, तो उसकी डिमांड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, उसको होल्ड करके रख लिया, उसकी सप्लाई कम कर दी। उसके बाद क्या हुआ, वो 30 रुपये से 100 रुपये पहुँचा, 100 रुपये से 200 रुपये पहुँचा, लेकिन अब लोगों को चाहिए, तो अगर 200 रुपये का भी प्राइस कोट कर रहा है सेलर, तो वो 200 रुपये किलो पे भी बिक रहा है। ओके, बिकॉज सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो सेम लॉजिक यहाँ अप्लाई होता है, जब मार्केट क्रैश करता है या नीचे आता है, तो पुट के जो सेलर्स होते हैं वो अब अपना बुक करते हैं प्रॉफिट, वो बायर्स बन जाते हैं, नए बायर्स भी आ जाते हैं, लेकिन सेलिंग कोई नहीं करता। तो डिमांड बहुत ज़्यादा होती है लेकिन सेलिंग नहीं होती, तो जो भी सेलर्स कोट करते हैं प्राइस, जैसे मैंने अनियन का एग्जांपल दिया, वो बायर्स उस प्राइस को ग्रैब करते हैं, और उन्हें क्योंकि अपनी पोजीशन काटनी है तो वो उस प्राइस को लेते हैं, और प्राइस यहाँ पे बहुत तेज़ी से शूट अप होता है। ओके, सो इस पोजीशन को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए अब अभी तक जो हम इस पोजीशन को फाइंड करते थे वो हम ये OI इंटरप्रिटेशन जो टूल है, ओके, ये OI इंटरप्रिटेशन टूल में, जैसे बैंक निफ्टी, अब ये 12th में एक्सपायरी, और अभी हम 34,000 पे देख लेते हैं कि क्या हो रही है पोजीशन आज। सो मैंने 5 मिनट सेलेक्ट कराया 34,000 पे, और हम ये टाइम पीरियड रेफर कर लेते हैं विच इज़ अराउंड 10:35। ओके, तो अगर आप 10:35 पे देखोगे, ये देखिए ये वो पोजीशन है अराउंड 10:35। ओके, 10:35 पे देखिए क्या हो रहा है, 10:35 पे देखिए शॉर्ट बिल्डअप स्टार्ट हो गया था। इसका मतलब क्या है कि अभी भी लोगों को लग रहा था कि मार्केट यहाँ और ऊपर जाएगा। ओके, क्यों लग रहा था, देखिए ये 10:35 का कैंडल है। ओके, यहाँ मार्केट ऊपर जा रहा था, इसने भी एक यहाँ विक्स दी है ऊपर की तरफ, तो इस समय शॉर्ट बिल्डअप चल रहा है मार्केट में। ओके, उसके बाद फिर जब नेक्स्ट कैंडल नीचे आया तो ये लॉन्ग बिल्डअप स्टार्ट हो गया। ओके, एंड ये लॉन्ग बिल्डअप कहाँ तक चला, इस कैंडल तक। ओके, इस कैंडल तक ये पुट, जो नई बाइंग जो मैंने आपको दिया था वो स्टार्ट हो गई थी, लेकिन ये जो कैंडल है 10:50 वाला, 10:50, 10:55, ओके, सो ये देखिए ये जो कैंडल्स हैं 10:55 वाले, इस कैंडल से जो सेलर्स हैं, ओके, ये देखिए 10:55 का जो ये कैंडल है, इस कैंडल से अब सेलर्स को क्या हुआ, लॉस होना स्टार्ट हो गया। सो नए बायर्स तो आ ही रहे हैं, देखिए लॉन्ग बिल्डअप ऑलरेडी इस स्ट्राइक पे 10:50 पे भी लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, लेकिन इस 10:55 पे अब जो मैक्सिमम सेलर्स थे, देखिए क्यों सेलर्स भागे, अगर आप ये देखेंगे ये जो डे लो है, ओके, सो सेलर्स वेट कर रहे थे कि शायद यहाँ से रिबाउंड होगा, देखिए बिकॉज ये यहाँ एक बार रिबाउंड हुआ, एक बार दो बार यहाँ रिबाउंड हुआ, सो उस लेवल को इस कैंडल ने ब्रेक किया 10:55 के, और इस कैंडल पे फिर सेलर्स ने अपनी पोजीशन कवर करना स्टार्ट कर दी और हमें शॉर्ट कवरिंग मिलना स्टार्ट हो गई। ओके, सो ये देखिए इस शॉर्ट कवरिंग में क्या हुआ है, जो 34,000 की शॉर्ट कवरिंग है वो 276 इसका LTP चल रहा था, लास्ट ट्रेडेड प्राइस इसका 276 चल रहा था, और उसके बाद देखिए अगर आपने यहाँ पे बाइंग करी होती, अगर आप 300 पे भी बाइंग कर ली होती आपने, तो आपको बहुत ईजिली जब तक ये शॉर्ट कवरिंग चलती है अराउंड 11:20 तक, ओके, सो आपको उस आधे घंटे में 100 पॉइंट्स मिल जाते हैं। ओके, 300 पे भी अगर आप एंटर होते, 276 है, अगर आप 300 नेक्स्ट स्ट्राइक पे भी एंटर होते तब भी आपको बहुत ईजिली ये 387 तक आप जा सकते थे। देखिए अदर साइड क्या है, अदर साइड भी शॉर्ट बिल्डअप चल रहा है। ओके, और शॉर्ट बिल्डअप कॉल में मतलब जो शॉर्ट्स हैं, बिकॉज मार्केट नीचे जा रहा है, वो यहाँ पे अपनी पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं सेलर्स। ओके, लेकिन ये आप सेलिंग के लिए है, ये बाइंग के लिए है। ओके, बाइंग में क्या होता है, एक छोटे कैपिटल पे आपको अगर, बिकॉज लेस कैपिटल में आपको अगर 100 पॉइंट मिल रहे हैं तो उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा हो जाता है, एंड सेलिंग में कैपिटल आपको ज़्यादा डालना पड़ता है, इसलिए ये आपको यहाँ भी देखिए 100 पॉइंट मिले हैं अराउंड
168, 140 एंड उसके बाद ये 68 तक आ गया। तो 100 पॉइंट्स आपको सेलर्स को भी मिले हैं, लेकिन इसमें कैपिटल ज़्यादा लगा है। ओके, सो शॉर्ट कवरिंग इसलिए बहुत पावरफुल कंडीशन है। अब देखते हैं कि क्या ये शॉर्ट कवरिंग, देखिए 34,000 में हमने देखा, अब देखते हैं क्या ये शॉर्ट कवरिंग, अगर मैं चलिए कोई स्ट्राइक ले लेता हूँ 33,600। ओके, सो अगर मैं 33,600 देखता हूँ तो इस स्ट्राइक में क्या शॉर्ट कवरिंग आ रही थी आज जो हमने टाइम देखा? नहीं, देखिए पुट साइड में कोई क्लियर शॉर्ट कवरिंग इंडिकेशन नहीं है। ओके, शॉर्ट बिल्डअप ज़रूर है, वो भी कब स्टार्ट हुआ है? अराउंड 140, लेकिन शॉर्ट कवरिंग का कोई ऐसा इंडिकेशन यहाँ से देखिए स्टार्ट हुआ है, यहाँ देखिए स्टार्ट हुआ है ये अराउंड 2 PM, लेकिन उससे पहले जो हम सुबह ट्रेड देख रहे थे वहाँ पे कोई शॉर्ट कवरिंग नहीं है। ओके, तो अब ये प्रॉब्लम आ रही थी यूज़र्स को कि किस टाइम पे, किस स्ट्राइक पे शॉर्ट कवरिंग पोजीशन है, ये कैसे पता करें और ये काम आप कैसे करें। सो इसके लिए हमने क्या करा, ये देखिए इसके लिए हमने ये पावर टूल है। इस पावर टूल में आपको क्या करना है, इसमें जैसे आपने सेलेक्ट करा आज बैंक निफ्टी, एक्सपायरी आपको 12th जो करंट एक्सपायरी है वो चूज़ करनी है, और इसमें आप शॉर्ट कवरिंग, देखिए इसमें आपको चारों पोजीशन है, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो अगर आप एक बायर हैं तो आप शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग बिल्डअप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप एक सेलर हैं तो शॉर्ट बिल्डअप एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो ये टूल आपको एग्जैक्टली क्या बताएगा, देखिए शॉर्ट कवरिंग पे हमने सबमिट करा है, तो अभी ये लास्ट जो करंट होता है ना मार्केट का, ये वो स्कैन करके आपको करंट पोजीशन दिखाता है। सो 330 पे जो शॉर्ट कवरिंग हुई है, ये देखिए लास्ट दिखा रहा है 330 के डेटा पे, तो इसमें आपको करंट टाइम आ जाएगा, शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी जो पोजीशन आपने सेलेक्ट करा है शॉर्ट कवरिंग, और ये आपको दिखा रहा है कि किन स्ट्राइक्स में शॉर्ट कवरिंग चल रही थी, देखिए पुट साइड में। ओके, अभी हम 34,000 देख रहे थे, देखिए 34,000 में लास्ट 5 मिनट में ये शॉर्ट कवरिंग हुई है, और ये आपको इंडिकेशन दे रहा है कि आप इन स्ट्राइक्स को बाय कर सकते हो। देखिए चेंज इन ओआई, इसने बता दिया कि चेंज इन ओआई कितना है, चेंज इन लास्ट ट्रेडेड प्राइस कितना हुआ है और ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस कितना है। ओके, सो अगर आप एक बायर हो तो आप शॉर्ट कवरिंग पोजीशन इसमें आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और ये सारे स्टॉक्स में भी देख सकते हो। ओके, कि किस स्टॉक में उस टाइम मार्केट में शॉर्ट कवरिंग चल रही है, और बहुत इजीली आप ये शॉर्ट कवरिंग पोजीशन ट्रेड कर सकते हो। अब मुझे अगर एज अ सेलर देखना है कि शॉर्ट बिल्डअप कहाँ चल रहा है, ओके, सो देखिए सिर्फ क्लोजिंग के टाइम पे एक स्ट्राइक 32,800 में शॉर्ट बिल्डअप था जिसमें सेल का इंडिकेशन दे रहा है। ओके, और अगर मैं निफ्टी में देखूँ, ये निफ्टी में शॉर्ट बिल्डअप कहाँ है, सो निफ्टी में देखें ये दो स्ट्राइक 16,500 एंड 16,550, इन दो स्ट्राइक पे। सो आपको ये एवरी 5 मिनट पे जो रियल टाइम अपडेट है ये स्कैन करके आपको बताएगा कि अगर आप एक सेलर हो तो आप शॉर्ट बिल्डअप या लॉन्ग अनवाइंडिंग देख सकते हो, बट अगर आप एक बायर हो तो ये शॉर्ट कवरिंग पोजीशन जो है ना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया जैसे कि आपको हाफ एन आवर में 100 पॉइंट्स का मूव आप पकड़ सकते थे। ओके, कब और आपको कब एग्जिट करना था, जब आपको वो देखिए आपको एंट्री यहाँ से मिल जाएगी कि शॉर्ट कवरिंग किस पोजीशन में मिल रही है, और आप यहाँ से एंटर कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, फिर उस टाइम पे आप वापस से ओआई इंटरप्रिटेशन टूल यूज़ कर सकते हो कि आपने सपोज बैंक निफ्टी में एंट्री ली, ओके, किस स्ट्राइक पे 34,000 जो उसने आपको दिखाया था, 34,000 पे आपने एंट्री ले ली। ओके, और आपको करना क्या है, अब देखिए जब तक ये शॉर्ट कवरिंग पोजीशन चल रही है आपको इसको ट्रेल करना है। ओके, एंड जब ये शॉर्ट कवरिंग पोजीशन ख़त्म हो जाएगी, लॉन्ग अनवाइंडिंग या कुछ और आ जाएगा, तो आप इसको एग्जिट कर सकते हैं, बट जब तक ये 5 मिनट्स में आपको शॉर्ट कवरिंग दिखा रहा है आप बहुत ईजिली ट्रेड कर सकते हो। ये देखिए अगर आप यहाँ इंटर होते, ओके, उस पावर टूल ने हमें 11 बजे या 10:55 पे दिखा दिया था 34,000 पे शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गई है, सो आप इसको यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। तो अब ट्रेड कैसे करना है, अगर आप 34,000 का पुट बाय कर रहे हो, सो क्या करो आप 10:55, ओके, ये देखिए 10:55 का जो कैंडल है, सो अगर आप यहाँ 11 के इस कैंडल पे भी आप एंट्री ले रहे हो, ओके, तो इस कैंडल का जो हाई है ना, इस पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो।
ओके, इस कैंडल के हाई पे, विच इज़ 33,900, 33,900 के आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, और आप इजीली देखिए यहाँ से अराउंड 33,800 से इसने जो लो बनाया है 33,600 का, सो ये आपको 100 पॉइंट्स का 34,000 में एक रैली मिल जाती, ओके, प्रीमियम की, एंड 200 पॉइंट्स यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे आया है, और अगर ये ऊपर आता तो आप यहाँ से एग्जिट हो जाते विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस, और अगेन आप जब शॉर्ट कवरिंग देते, देखिए नेक्स्ट शॉर्ट कवरिंग कब इसने दिखाई है, नेक्स्ट शॉर्ट कवरिंग जो यहाँ पे स्टार्ट हुई है, देखिए अराउंड 12:15 पे भी शॉर्ट कवरिंग थी, ओके, बट फिर ये लॉन्ग अनवाइंडिंग आ गई, लेकिन उसके बाद शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू हुई है, ओके, सो ये देखिए ये जो पोजीशंस है ना, कि एक ही शॉर्ट कवरिंग में आपको सीधे 40 पॉइंट्स मिलते हैं, और ये जो लॉस जो आपका देख रहे हैं ना, 6, 9, 6 पॉइंट्स, 9 पॉइंट्स, लेकिन जो शॉर्ट कवरिंग पोजीशन देखिए 42 पॉइंट्स, 83 पॉइंट्स, ओके, यहाँ आप लॉन्ग अनवाइंडिंग में कितना गया, ओनली 3 पॉइंट्स, फिर देखिए शॉर्ट कवरिंग 25, 44, 34, ओके, सो ये बहुत ईजिली देखिए 330 से जो इसका प्रीमियम था एट 145 कितना पहुँच गया हाई 532 विद इन हाफ एन आवर, ओके, लेस देन हाफ एन आवर में भी ये इतना ज़्यादा आपको 330 से 532 प्रीमियम मिल गया थ्रू अ शॉर्ट कवरिंग। तो देखिए कितना पावरफुल टूल है, सो आप ये टूल को यूज़ कर सकते हैं, हमने इसको लाइव कर दिया है, ये प्रीमियम में अवेलेबल है, लेकिन आप 3 डेज देखिए जो न्यू यूज़र्स हैं उनके लिए 3 डेज फ्री ट्रायल है, वो रजिस्टर करके फ्री यूज़ कर सकते हैं सारे टूल्स, और बाकी जो प्रीमियम यूज़र्स हैं उनके लिए ये पावर टूल हमने एक्सेस दिया है, और आप फिक्र ना करें, मैं आपको जैसे कि बताया है कि 1 साल हमने कंप्लीट करा है OI ट्रैकर का, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक डिस्काउंट कूपन भी दे रहा हूँ, आप वो डिस्काउंट कूपन यूज़ करके आप अपग्रेड कर सकते हैं, बेसिक से अपग्रेड करके अपना प्रो प्लान में, और ये टूल आप एक्सेस कर सकते हैं, और प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि इस टूल के थ्रू आपको कैसे बेनिफिट, कितना बेनिफिट मिला, ओके, सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप ये पावर टूल आपको बहुत बहुत काम आएगा, आपको एग्जैक्टली बताएगा किस स्ट्राइक में आपको बाय करना है, कब आपको किस स्ट्राइक में सेल करना है, एंड बहुत ईजिली आप इससे ट्रेड कर सकते हैं, और आपको बहुत हेल्प करेगा ट्रेडिंग में, ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड हैव अ नाइस डे।